शास्त्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर तो हाजिर हो चुके हैं तुहाडे लई बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लैके। गल करांगे जी पंजाब दीआं समें दीआं सब तो वड्डीआं ते ताज़ा खबरां बारे। सब तो पहलां चाइना वाला स्टडी एंड जॉब अलर्ट्स देख रहे सारे स्रोतियां दा स्वागत करदे आं। पहली वड्डी खबर दोस्तों, पंजाब विच अत दी गर्मी दा वड्डा अलर्ट, पारा मुड़ तो चढ़न लग्गिआ। अगली वड्डी खबर दोस्तों, हुणे हुणे 10वीं ते 12वीं दा रिजल्ट घोषित, आई वड्डी खुशखबरी। अगली वड्डी खबर दोस्तों, पंजाब स्कूलां नूं तिन छुट्टियां दा होया वड्डा ऐलान, सोमवार दी भी होवेगी छुट्टी। तां प्यारे दर्शको, तुहानूं इन्हां चारां खबरां बारे वीडियो विच अगे पूरी जानकारी दिंदे आं, पर वीडियो शुरू करन तों पहलां जेकर तुसीं अपने चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल ते नवे हो अते अजे तक भी अपने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, तां दोस्तों कृपा करके अपने चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लिओ ते नाल ते बैल आइकन नूं प्रेस कर लिओ, क्योंकि तुहानूं अपने चैनल ते पंजाब अते पंजाब स्कूलां बारे लेटेस्ट खबरां लगातार घर बैठे देखने लई मिलदी रहणगीआं। तो चलो फिर शुरुआत कर लैणे आं समें दी सब तो पहली अते वड्डी खबर तों। पहली वड्डी खबर है जी, CBSE 10th रिजल्ट अनाउंस्ड। CBSE 10वीं विच 93.12% विद्यार्थी होए पास, इस डायरेक्ट लिंक की मदद नाल करो चैक। जी हाँ प्यारे दर्शकों, केंद्रीय सेकेंडरी सिख्या बोर्ड यानी कि CBSE ने अज 10वीं जमात के नतीजे ऐलान दिए हैं। 10वीं जमात के विद्यार्थी बोर्ड की अधिकारित वैबसाइट पर जाके अपना नतीजा वेख सकते हैं। तो हमें दसे कि बोर्ड के वलों अज दोपहर 1:30 बजे नतीजा लाना गया, पर CBSE वालों इस संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी गई, पर उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान नतीजे लाण ते जाणगे। CBSE 10वीं की प्रीख्या में 93% तो वध विद्यार्थी पास होए ने, प्रीख्या नतीजा 93.12% रहा है। तो हमें दसी कि 94.25% लड़कियां 10वीं जमात में पास हुई ने, जदों के 92.27% लड़के पास होए ने। अगली खबर, वड्डी खबर आ चुकी, CBSE ने लाया 12वीं जमात का नतीजा, जानो कहीं देखना है रिजल्ट। जी हाँ प्यारे दर्शकों, CBSE ने 12वीं जमात के विद्यार्थियों का नतीजा कल अनाउंस कर दिया है। विद्यार्थी अपने नतीजे CBSE अधिकारित वैबसाइट results.cbse.nic.in ते जाके वेख सकते हैं। दोस्तों नाल ही CBSE के नतीजे डिजी लॉकर से भी उपलब्ध होंगे। नतीजा जानने वास्ते विद्यार्थियों को रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म मिति और एडमिट कार्ड ID की लोड़ पवेगी। अगली वड्डी खबर है जी, पंजाब विच गर्मी का कहर जारी, फरीदकोट विच पारा 42.1 पहुंचा, IMD ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विच गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिता है। 3-4 दिनों विच तापमान 5 डिग्री सैलसीयस तक वध गया है। पंजाब का जिला फरीदकोट हुण तक का सब तो वध टैंपरेचर वाला जिला रहा। इत्थे आम तापमान 3.8 डिग्री सैलसीयस के वाधे 42.1 डिग्री तक सैलसीयस तक पहुँच गया। इस तो अलावा बठिंडा, पटियाला, बरनाला, पटियाला के मुकतसर में तापमान 40 डिग्री सैलसीयस तक पहुँच गया। मौसम विभाग मुताबक अगले 4 दिनों तक मौसम खुश्क रहने वाले, 5 मई तो 11 मई तक आम नालों 45% घट मीह पिया है, जिस कारण गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिता है। अगली वड्डी खबर है जी, पंजाब सरकार वालों करतार सिंह सराभा के शहीदी दिवस मौके गजटेड छुट्टी का ऐलान। जी हाँ प्यारे दर्शकों, पंजाब सरकार वालों शहीद करतार सिंह सराभा के शहीदी दिहाड़े से मुख रखते हुए 16 नवंबर को गजटेड छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस संबंधी पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तुहानू दसे कि इस तो पहला बीते कल पंजाब सरकार ने जिला कपूरथला 15 मई जाने के दिन सोमवार को लोकल छुट्टी का ऐलान किया। जिला कपूरथला माता भद्रकाली जी का मेला 15 मई को पिंड शेखूपुर विखे बड़ी ही श्रद्धा भावना मनाया जा रहा है। इसके मद्देनजर लोगों धार्मिक भावनावान इतिहासक मेले की महत्ता देखते हुए सरकारी संस्थाओं में 15 मई दिन सोमवार को गजटेड छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों इस छुट्टी को बुला के अज की दोस्तों कल की छुट्टी मिला के ठीक है जी, कुल मिला के 3 छुट्टियां पंजाब स्कूलों कॉलेजों में देखने को मिलनगियां। जेकर गल करिए आप अज दोस्तों 13 मई जाने के दूजा शनिवार ठीक है छुट्टी होगी सारे स्कूलों कॉलेजों में, एंड दोस्तों कल ऐतवार सो राष्ट्रीय छुट्टी ठीक है पूरे भारत में होगी। इस तो अलावा दोस्तों परसों माता भद्रकाली जी के ठीक है मेले के उत्सव में मुख रखते हुए कपूरथला जिले में छुट्टी का ऐलान सरकार के वालों किया गया है।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।